नमस्कार हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है और यह शख्स राजनीति में उतर कर समाज के लिए कुछ करना चाहता है और कर भी रहा है। कामगारों की लड़ाई लड़ते लड़ते सन 1996 से लेकर अब तक का सफर तय किया और 1994 भी राजनीति में एक सक्रियता समाजसेवी के रूप में थी। लेकिन अब हम आज जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने राजनीति में कदम रखा था, कामगारों के लिए अब तक क्या किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसके बाद उससे पहले शिवसेना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में समर्थन, अर्पण, काम काज, इस बीच कामगार कहाँ रहे, इस बीच समाज सेवा कहाँ रही और इस बीच राजनीति कहाँ रही। सत्ता भी इनके पास थी एक समय पर, सत्ता की बागडोर भी संभाली नगर सेवक के प्रतिनिधि के तौर पर ही कह लीजिए, क्योंकि अभी तक तो उस तर खुद काबिल नहीं हुए, लेकिन काम जारी रहा। आइए हम बातचीत करते हैं मोहन राम सिंह जी से कि आखिर कंडारी से आखिर किस तरह से उन्होंने राजनीति का दौरा किया और सारा कुछ, बस थोड़ी देर में, तब तक देखिए उनके राजनीति का ये छोटा सा क्लिप। मोहन राम सिंह कंडारी, एक ऐसा नाम जो कामगारों की लड़ाई लड़ते लड़ते जिसने अपनी राजनीतिक यात्रा को शुरुआत की थी और आज उसकी शुरुआत का असर दिखा और आज मोहन राम सिंह कंडारी कामगारों के नेता के रूप में उभर कर सामने आ चुके हैं। उल्लासनगर का यह व्यक्ति कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में अब विद्वान हो चुका है जो अपने आप को बेबस और लाचार समझते थे एक समय पर। हालांकि कई सारे दल इनके साथ, शिवसेना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी के साथ तालमेल ठीक ठाक बन रहा है और उस पर चल भी रहे हैं। लेकिन कामगारों की लड़ाई और कामगारों के लिए लड़ना, कामगारों की बात को ऊपर तक उठाना और उस बात को उठाकर उस पर चलना, यही इनका लक्ष्य रहा है शुरुआत से ही। 1996-94 और उससे पहले की और उसके बाद की राजनीति में अगर हम ठीक से नजर डालें तो उसमें एक चीज नजर आती है, वो गरीब मजदूरों की आवाज को उठाना, वाल्मीकि समाज के अधिकार को उठाना और वाल्मीकि समाज के अधिकार को उन तक पहुंचाना। आज हम मिलेंगे राम सिंह कंडारे से, यानी मोहन राम सिंह कंडारे से, उनके राजनीतिक यात्रा के बारे में जानेंगे, अब तक का समर्पण, अब तक का अर्पण, अब तक का काम, अब तक का काज, अब तक का सफर, और हम जानेंगे उनका सच पूरा। नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हमारे उपस्थित है मोहन राम सिंह कंडारे जी, आइए हम बातचीत करते हैं उनसे कि आखिर कैसे उतरे राजनीति में जी। नमस्कार। नमस्कार। होता क्या है राजनीति में उतरने वाले लोग, ये मेरा सवाल अक्सर रहता है, वो हमेशा दो तीन चीजों को लेकर राजनीति में उतरते हैं, पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, बहुत सारा वायुमंडल उनके पास ऐसा जिसमें वो अपने आप को सत्तासीन माने, गर्व अभिमान। आप राजनीति में उतरे उसके पीछे का कारण सिर्फ यही था कि पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, सत्ता, अभिमान, स्वाभिमान सब मिलता रहे, बस राजनीति में लगे रहो? जी नहीं, है साजिक है कि मैं भी ये जो बातें आपने बताई है इसका विरोध ही करूँगा, सभी विरोध करते हैं, लेकिन मैं आपको रियल बताता हूँ कि मैं इसका विरोध इसलिए करूँगा कि ना मेरे पास सत्ता थी, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कोई राजनीतिक पोस्ट थी। मैं सिर्फ एक छोटा सा कार्यकर्ता था शिवसेना का, आनंद दिगे साहब, स्वर्गीय आनंद दिगे साहब के नेतृत्व में और कैलाशवासी रमाकांत चौहान के नेतृत्व में हम लोग यहाँ शिवसेना का काम करते थे। 1984 के अंदर मैंने SSC की और उसके बाद मैं शिवसेना पार्टी से ज्वाइंट हो गया और एक शिवसेना के साथ काम करने का जो अनुभव रहा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि शिवसेना के जो ग्राउंड लेवल का काम है बहुत ही अच्छा समाज सेवक बन सकता है और मैंने भी वही काम किया, मैं उनके साथ काम करता रहा। लेकिन जब सूरज संभाली 1987 में, तब मैंने देखा कि सेंचुरियन कामगार का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसमें हरिभाऊ नाईक और राजाराम सालवी के नेतृत्व की लड़ाई चल रही थी और उसमें 6 महीने का लॉकआउट भी हुआ था और कामगार बहुत त्रस्त थे। मेरे पिताजी भी सेंचुरियन के कामगार रहे हैं, मैं राजस्थान से आता हूँ, हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बहुत से कामगार यहाँ काम करते हैं। तो जब कंपनी बंद हुई तो उसका इफेक्ट सभी के परिवारों पर होने लगा, हमारे परिवार पर भी हुआ। तब पता चला कि नहीं, कामगारों के लिए जो सच्ची तरीके से नेतृत्व करता है उसका समर्थन करना चाहिए और उस युवा समय पे हम लोगों ने राजाराम सालवी जी का समर्थन किया और 87 में राजाराम सालवी जी की यूनियन यहाँ आई और हम लोग कामगारों के लिए काम करना शुरू किया
आज भी राजाराम सालवे जी की ही यूनियन यहाँ नेतृत्व में है, उसके बीच में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन कामगार आज भी राजाराम सालवे के नेतृत्व को मानते हैं। यानी हम ये माने कि आप समाज सेवा या राजनीति में कामगारों की उम्मीद बनकर उतरे। हाँ जी, उसका कारण बताता हूँ आपको कि ये जो परिसर है सी ब्लॉक से लेकर धोबी घाट खेमानी तक, ये पूरे कामगार क्षेत्र है, यहाँ सभी कामगार रहते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में चार कंपनियां थी, सेंचुरियन, आईडीआई, अमरलाई और हारमन मोता। तकरीबन ये चारों कंपनियों को मिला लो तो 25,000 कामगार थे और ये परिसर में ही रहते थे। तो हमारा राजकारण, समाज कार्य या यूनियन की बातें, ये कामगार क्षेत्र से उठती है, एक गरीब तबके से हमारी बातें उठती है और उसके लिए हम लोग अगर कुछ काम भी करते हैं तो गरीब तबके लिए करते हैं। यहाँ झोपड़पट्टी है, परिसर के अंदर सभी लोग गरीब तबके से आते हैं, तो हम उनके लिए काम करते हैं। लोग हमको समाज सेवक भी कहते हैं, अगर इनका काम आ गया तो लोग हमें कामगार नेता भी कहते हैं, लेकिन काम हम लोग समाज का इसी माध्यम से करते आए हैं। लेकिन बात यह है ना, काम करते करते कब राजनीति में आ गए, कब पार्टी पकड़ ली और ये शिवसेना, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस, फिर इसमें भाजपा, ये दल बदलना, दल बदलू नेता नहीं लगते आप? जी आपका बोलना, अगर हम ये सोचे कि अपने स्वार्थ के लिए जो बदला जाता है उसे दल बदलू नेता कहते हैं, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए कभी दल बदला नहीं। मैंने शिवसेना का काम किया, 20 साल मैं शिवसेना में था और पूरे तन मन धन से मैंने सेना का काम किया है। आज भी शिवसेना के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं और वो कहते हैं कि भाई एक हमारा अच्छा शिवसैनिक था। दल बदलने का कारण, उसका सबसे बड़ा कारण है सर कि अच्छी तरह मुझे याद है कि 94 या 95 में गणेश नाइक जी की यूनियन यहाँ नेतृत्व करने के लिए आई थी जो शिवसेना से थी, और उस वक्त मैं भी शिवसेना में था तो मुझे कहा गया कि आप शिवसेना के मंच पे आए और गणेश नाइक जी को मदद करें। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 87 में जब राजाराम सालवे की यूनियन आई तो 87 से लेकर 94 तक इस परिसर के हमारे नेतृत्व के अंदर उन्होंने पूरे लोगों को काम पे लिया। तकरीबन 500-700 लोग हमारे काम कर रहे थे। अगर मैं गणेश नाइक के मंच पे जाऊं तो हो सकता है राजाराम सालवे नाराज हो जाए या मैनेजमेंट नाराज होकर हमारे लोगों की रोजी रोटी न छिन जाए, वो मुझे एक डर था। इसलिए मैं गणेश नाइक जी के मंच पे नहीं गया, वहीं से मेरी थोड़ी सी नाराजगी शिवसेना से हुई। शिवसेना के नेता जो स्थानिक थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, राष्ट्रवादी पसंद आ गया। उसका कारण बता रहा हूँ सर, 95 से लेकर 2000 तक मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं सिर्फ एक समाज सेवक और कामगार बोल के काम करता रहा। लेकिन 2000 में यहाँ के स्थानिक आमदार पप्पू कालानी जी और यहाँ की राष्ट्रीयवादी की अध्यक्षता ज्योति कालानी जी, ज्योति कालानी की जो कार्यकारिणी थी, उनके वजह से मुझे ऑफर आया कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। और उस वक्त हमारे यूनियन के बाद चल रहे थे 2001 में भाई जगताप और राजाराम सालवे से, और हमने भाई जगताप को यहाँ लाया, इनको लाएंगे। लेकिन उस वक्त ऐसा एक समीकरण बना कि भाई आप भाई जगताप को छोड़िए और हम राष्ट्रवादी में जाएंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमने उनको लाया और हम उनको छोड़ के फिर कहीं पार्टी में बदले, तो हमने उसके लिए मना कर दिया था। लेकिन बाद में ये बात हुई कि चलो ठीक है, हम ही भाई जगताप को समर्थन देंगे लेकिन आप राष्ट्रवादी में आइए, तब जाके हमने राष्ट्रवादी ज्वाइन की। और राष्ट्रवादी ने उस वक्त कामगारों का समर्थन भी किया और कामगारों के लिए काम भी किया। लेकिन 2005 में सेंचुरियन कंपनी के अंदर जो गलत तरीके से नेतृत्व कर रहे थे, कामगारों का दमन कर रहे थे, ऐसे लोग हट गए। और वो हटने के बाद राजाराम सालवे जी ने हमसे कॉम्प्रोमाइज की, हमारे सारे लोगों को काम पे ले लिया, तो हमने राजाराम सालवे से कॉम्प्रोमाइज किया और उस वक्त मैं राष्ट्रवादी से ही काम कर रहा था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आपने जितने कारण बताए उसमें समर्थन था, समर्थन खींचना था, समर्थन को देना, समर्थन को खींचना। आप जब समर्थन दे रहे थे तो कह रहे थे कि आप कामगारों की मदद करिए या कामगारों का काम करिए, लेकिन बात यह है ना कि समर्थन देना, समर्थन खींचना, फिर आपका नगर, आपके परिवार से नगर सेवक के लिए चुनाव लड़ना, फिर चुनाव जीतना, फिर हारना, ये सब लगता नहीं कि पूरी तरह राजनीतिकरण है? यहाँ सिर्फ राजनीतिकरण। देखिए ऐसा है सर, इसको आप राजनीतिकरण कहिए या कुछ भी कहिए, अगर आपको अपने वार्ड का विकास करना हो, अपने लोगों का विकास करना हो, तो जो दल
आपके वार्ड के विकास में आपके पूरक जाएगा, आपको उसके साथ खड़ा रहना पड़ता है। हम खाली नेता बन गए, लोगों ने हमको वोट दे दिया, और हम अगर समाज कार्य नहीं कर पाए, लोगों का विकास नहीं कर पाए, तो वो काम नहीं चलता है। हमने राष्ट्रवादी के साथ रहे हैं, 10 साल हम राष्ट्रवादी के नगर सेवक रहे। राष्ट्रवादी के अंदर हमने इस वार्ड के 30 साल की गंदगी को दूर किया, जो आज भी लोग उसको मानते हैं और जानते हैं कि भाई हाँ इन्होंने काम किया है, और राष्ट्रवादी के हम लोग साथ रहे। लेकिन राष्ट्रवादी के साथ हमारे कुछ मनमुटाव हुए, और मनमुटाव में कह सकता हूं कि अगर हमारे स्वाभिमान को कहीं ठेस पहुंचती है तो उस दल में रहकर हमें कोई फायदा नहीं। ऐसा कौन कौन सा काम था जिसको आपने नगर सेवक, जब आपके घर पे थी नगर सेविका जी आपकी बहू, उस दौरान कौन कौन से ऐसे काम किए जो समाज में आज भी नाम लिए जाते हैं और ऐतिहासिक? सर ऐसा है, देखिए इसमें जेबी फरसन वाले से लेकर हरमनोता कंपाउंड तक तकरीबन 1.25 किलोमीटर का एक जो नाला है, जो पिछले 20 साल से भरा पड़ा था, टूटा पड़ा था, जिसके वजह से दत्तवाड़ी परिसर, भीमनगर, यहाँ हर बारिश में बाढ़ आ जाती थी, क्योंकि नाला बना नहीं था, टूटा पड़ा था, भरा पड़ा था, जिससे पानी ओवरफ्लो होता था और लोगों के घर में पानी जाता था। उसी टाइम पे वो नाला यहाँ से चला जाता था शहर फाटक तक, और गुलशन नगर परिसर में भी हर साल बाढ़ आ जाती थी। तो हमने शहर फाटक से लेकर जेबी फरसान 1 नंबर तक का 1 किलोमीटर का नाला, ये एक ऐतिहासिक काम है वार्ड के लेवल से, वो हमने पूरा बनाया, जिसके वजह से आज भी, आज हम नगर सेवक नहीं है लेकिन तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, न गुलशन नगर डूबा है, न दत्तवाड़ी में कहीं पानी भरा है, न भीम नगर में पानी भरा है। ये एक ऐतिहासिक हमने काम किया। दूसरा इसके अंदर ऐसा था कि इस वार्ड के अंदर कचरे के 5 खत्ते थे, जबकि इतना कचरा इस वार्ड में होता नहीं था। मतलब आजू बाजू के दूसरे वार्डों का कचरा आके हमारे वार्ड में डंप किया जाता था। उसका हमने पूरा डट के विरोध किया कि जहां रेसिडेंशियल एरिया था वहां एक कचरे का खत्ता बना के दूसरे वार्डों का कचरा वहां डाल देते थे, वहां के लोगों को परेशानी होती थी। जैसे मैं आपको बता दूं, जिस ऑफिस में मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, इस मोहल्ले के ठीक सामने कचरे का खत्ता था, जिसके वजह से सारी दुर्गंध मोहल्ले के अंदर आती थी, बच्चे बीमार हो जाते थे। ऐसा ही हरमनोता गेट के अंदर एक कचरे का खत्ता था जो रेसिडेंशियल एरिया के बीचों बीच था। तीसरा दत्तवाड़ी में पंचायत हॉल के अंदर जो कचरे का खत्ता था, वहां के बाकायदार बिल्डिंगें बनी हुई है लेकिन कचरे के खत्ते की वजह से लोग बीमार रहते थे। ऐसा ही भीमनगर में एक कचरे का खत्ता था जो दलित बस्ती मानी जाती है, लेकिन वहां भी कचरे के खत्ते के अंदर यही प्रॉब्लम था। तो हमने विरोध किया कि हमारे गांव का कचरा, उसका हम निवारण हम खुद कर लेंगे, लेकिन ये कचरे के खत्ते की ये जरूरत यहाँ नहीं है। और बाहर के वार्ड का जो कचरा आता है, वो जो वार्ड का कचरा है उस वार्ड के अंदर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो 4 खत्ते हमने उस टाइम हटा दिए, आज भी वो हटे हुए हैं, लोग दूषित वातावरण से मुक्त हो गए। क्या स्वच्छ भारत अभियान और भारतीय जनता पार्टी के नारे, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश की सरकार और वर्तमान नगर सेवक, मैंने 3-4 सवाल एक साथ कर लिए, स्वच्छ भारत अभियान, वर्तमान महाराष्ट्र की सरकार और वर्तमान नगर सेवक, इन तीनों के, अब सरकार में आपके MLA आते जी, इन तीनों के मुद्दे पर, यानी स्वच्छ भारत अभियान, आपके MLA साहब और आपके नगर सेवक, क्या ठीक ढंग से काम किया, इस प्रकार से होना चाहिए था? देखिए सबसे पहले बात तो है कि यहाँ MLA ज्योति कालानी जी है वो राष्ट्रवादी से है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का MLA नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और टीम उम्मी कालानी ने मिलके और गंगा जल फंड ने मिलके उल्लासनगर में सत्ता बनाई है, और आपने देखा होगा कि काम के लिए, यस सर मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते ही टीम उम्मी कालानी के, उम्मी कालानी जी की मिसेस भारतीय जनता पार्टी से जो चुन के आई थी वो महापौर बनी है और काम को गति मिली है। गति नहीं मिलने का कारण जो था, 1 साल वो निधि का अभाव था। भुल्लर जी का काम कैसा? सर ये भुल्लर जी के बारे में मैं आपको काम के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ की जनता आपको बहुत अच्छी तरह आप बता सकते। मेरा ये कहना है कि उनका वार्डों पर ध्यान नहीं है। कैसे, क्या हुआ काम? जो वार्ड हमने इतनी सुंदरता से बनाया था वो वार्ड आज पानी से त्रस्त है, गंदगी से त्रस्त है, लोगों के स्वच्छ की व्यवस्था पूरी नहीं है और इसके लिए लोग परेशान हैं। और ये बातें भुल्लर जी को भी पता है, बाकायदा नगर पालिका में उसकी कंप्लेंट भी हो रही है। पिछले 2 दिन पहले एक शिष्टमंडल मेरे पास आया था और मैंने इंजीनियर से बात की थी कि भाई मैं वो काम करवा रहा हूँ, तो
दो वार्डों पे ध्यान उनका नहीं है। मेरा कहना ये नहीं है कि वो अपने जेब से कराएं, लेकिन वो चाहें, एक सीनियर मोस्ट नगर सेवक है, वो निधि ला के काम कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे। इसमें कि एमएलए विधायिका क्या उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया, इस प्रकार से होना चाहिए। नगर सेवक ठीक ढंग से काम किए नहीं आप बता रहे, नगर विधायिका ने भी ठीक ढंग से काम नहीं किया, इस प्रकार से होना चाहिए। नहीं, विधायिका का काम अच्छा चल रहा है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि पिछले विधायक और अभी का अगर हम तुलना करें तो अच्छा काम चल रहा है। आपके संकेतों से ऐसा लग रहा है कि भविष्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ आप फिर चले जाएंगे? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि राष्ट्रवादी के एमएलए हैं और मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी तरफ चला जाऊं। ये बता दीजिए कि कौन सा दल इस समय आपके विचारों से मिलता है, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरबीआई या शिवसेना? सर देखिए, इस वक्त तो जो ज्वलंत विषय मेरे दिमाग में घूम रहे हैं वो है अनुसूचित जाति की वाल्मीकि समाज, और उनके विषय को लेके मैं पिछले 2010 से उस विषय को लेकर दौड़ रहा हूँ। पूरे महाराष्ट्र का मैंने दौरा किया है और उसमें मैंने ये पाया है कि आज जो हमारे लोगों को जाति दाखला वो जात पड़ताल नहीं मिल रही है, और नहीं मिलने का कारण ये है कि हमारे लोगों के पास पुरावे नहीं है, क्योंकि 1950 के पुरावे देने चाहिए, जबकि पांगे समिति की स्पष्ट रिपोर्ट है कि ये समाज का अगर विकास करना है तो इनके पास पुरावे है या नहीं है, इनको सेल्फ एफिडेविट के ऊपर जाति दाखला और जात पड़ताल नहीं दे देनी चाहिए। लेकिन पिछली सरकार ने उसके ऊपर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया। बाकायदा हमने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था, उसके लिए धरने प्रदर्शन किए थे, मोर्चा निकाला था, और आने वाली सरकार ने भी इसके ऊपर अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया। इसमें मेरा सवाल अभी भटक गया। मैंने कहा कि चार पांच जो पार्टियां, कि नहीं कांग्रेस भी आप ले लीजिए, कौन सा दल है जो आपको ठीक लगता है कि हाँ ये दल अपने कामगारों के लिए या वाल्मीकि समाज के लिए ठीक से काम करेगा भविष्य में, ऐसा कौन सा दल है? वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे जो मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो मैं समाज कार्य कर रहा हूँ, उस समाज कार्य के अंदर जो प्रमुख मुद्दा है वो वाल्मीकि समाज के लोगों को जाति दाखला और जाति प्रमाण पर जात पड़ताल दिलाने का है, और उसके सारे पाठ पुरावे मैंने पूरे कर दिए हैं। 70 साल में पहली बार बाबा साहेब अनुसंधान केंद्र पुणे बाल्टी ने समाज कल्याण विभाग को पत्र दिया है कि इस समाज का विकास के लिए इसको जाति दाखला और जाति वैलिडिटी के लिए आपको सेल्फ एफिडेविट पे दे देना चाहिए, अन्यथा ये समाज पिछले 70 साल से आरक्षण से वंचित है और ये वंचित रहेगा। जो इस समाज को आरक्षण के लिए आगे बढ़ाएगा उसको, यस सर, मैं आपको स्पष्ट चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। मैंने सीएम साहब के पास भी गुहार लगा दी है, नागपुर अधिवेशन में भी मैंने पत्र दिया है, और बहुत ही जल्दी बॉम्बे के अंदर हम बहुत बड़ा आंदोलन पुकारने वाले हैं। अगर इस समाज के पूरक भारतीय जनता पार्टी जाती है, क्योंकि ये लेटर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पड़ा है, 6/7/2017 को बाल्टी ने पत्र लिखा है, तकरीबन 12 महीने हो चुके हैं और वो लेटर समाज कल्याण विभाग के पास है, उसका जीआर बनना चाहिए तो ही समाज को न्याय मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं नहीं लगता कि मैं बहुत दिन बीजेपी में रहूंगा। भाजपा में अभी आप हैं, लेकिन अगर नहीं रहेंगे तो किस दल की तरफ आपका रुख होगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस? देखिए मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि ये समाज की बातें हैं, यहां आइएगा नहीं। यस सर, बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि ये समाज की बात है। पहले तो मैंने मौका देवेंद्र फडणवीस जी को देना चाहूंगा, क्योंकि आपके शासनकाल में ये बहुत ही अच्छी बात है कि बाल्टी ने आपको पत्र दिया है, क्योंकि आप समाज के विषय में जो भी अगर जाति दाखला का पत्र देते हैं तो शासन बाल्टी को संशोधन के लिए दे देता है, और बाल्टी ने 70 साल में पहली बार संशोधन का पत्र आपके शासनकाल में दिया है, तो इसका क्रेडिट आपको लेना चाहिए और इस समाज को न्याय दिलाना चाहिए। जैसे आज मराठा समाज आरक्षण मांग रहा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, हर समाज को अपने हक लड़ना चाहिए, लेकिन पिछले 12 महीने से आपके पास ये पत्र पड़ा है और आप इस पर निर्णय नहीं ले रहे, ये हमारे लिए अन्याय बात है। नहीं, हम ये माने कि आने वाले समय में अगर भाजपा ने इस बात को मंजूरी नहीं दी तो आप किसी और दल की तरफ चले जाए। 100% सर, अगर भाजपा के शासनकाल में अगर ये नहीं हुआ तो हम ये पक्ष छोड़ देंगे।
आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा के चुनाव आने हैं, अब आगे पीछे जो होते हैं देखा जाए, इस चुनाव के दौरान क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर विजय हासिल कर सकती? देखिए ऐसा है साहब कि भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने भारत का गौरव को पूरे विश्व में उठाया है और जो उन्होंने एक प्लानिंग की है भारत के विकास की, क्योंकि कोई भी काम करने का सबसे पहले प्लानिंग होती है, वो पहला स्टेप होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे दिन उसका इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके इम्प्लीमेंट को समय लगेगा, लेकिन जो हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की है अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया या लोग उसको समझ गया नहीं, आप सपने में दिखाइए, सुनिए सुनिए, मैं सपना में दिखा रहा हूं। अभी इन 5 सालों में कितने धरातलीय काम हुए? देखिए ऐसा है कि सबसे पहला काम जो सारे भारत देख रहा है, भारत स्वच्छता अभियान कहां धरातल पर, सुनिए मैं आपको बताऊं, यहां अगर मैं बिरला गेटी आ जाता हूं वहां व्यवस्था देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, आप आगे बढ़ जाइए वहां की व्यवस्था, सुनिए ना, मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी चीज की प्लानिंग सोच, 4 साल 5 साल होने वाले, आदमी अगर सोचता नहीं तो चांद नहीं जा पाता। इन्होंने सोचा है कि स्वच्छ भारत अभियान को पूरे देश में लागू होना चाहिए और लोगों ने उसको अपनाना चाहिए। आपको पता नहीं कि सबसे अधिक अगर खर्च हुआ है कोई पैसा तो स्वच्छ भारत अभियान, उसके बावजूद अभी तक धरातल पे आया नहीं। धरातल पर पहुंचने को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोगों में जागृति आई है, ये स्वच्छ भारत अभियान की पहली जीत है। चलिए अगला सवाल, मानते हैं कि आप चूंकि इसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े मनमोहक हैं, उनके उसके पीछे बड़ा आकर्षित है तो उसे गुड़ गाएंगे। अगला सवाल, क्या माने हम कि आने वाले समय में नगर सेवक के रूप में फिर से आप ताल ठोकेंगे, फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और हो सकेगा तो आमदर का भी चुनाव लड़ने की तैयारी में, चूंकि पहले आप कुड़तरा, इस बार भी आप लड़ने की तैयारी में रहेंगे, क्या संकेत हैं आगे की राजनीति? देखिए ऐसा है कि नगर सेवक की तो बात ऐसी है कि वो अभी इलेक्शन 2022 में है और जो हिसाब से एक साल में ही जिस वार्ड को हमने तन मन धन से अपने मेहनत से अपने खून पसीना सींच के बनाया था उसकी एक साल में दुर्दशा हो गई है और लोगों ने आके हमसे विनती की है कि हमसे गलती हुई है। उन्होंने अगर आमदर के लिए कहा तब क्या करें? सर देखिए मैं कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ नेता हूँ, अगर मेरे कार्यकर्ता अगर ये चाहेंगे तो मैं लड़ सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं, उसमें दल कोई भी हो ये निश्चित नहीं। सर दल आप किसी दल के एक रहकर रहे नहीं कभी, तो हम क्या माने कौन सा दल आपको टिकट दे देगा? आप तो यही हुआ कि जो मिला तो ठीक है, बह रही है गंगा, कोई भी आ जाए हाथ धो ले चला जाए। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, अधिकतर दल टिकट उनको ही देता है जिनके पीछे नगर सेवकों का समर्थन होता है। अधिकतर आपने देखा होगा मेरे पीछे कार्यकर्ताओं का समर्थन है, नगर सेवकों का नहीं। नहीं जी मेरे पास कोई नगर सेवक नहीं है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं लेकिन हाँ सोच बड़ी रखता हूं, लेकिन समाज में और कार्यकर्ताओं ने अगर विचार किया कि हमको लड़ना चाहिए, हार जीत तो सबकी होती है सर। आप पीछे नहीं हटे? मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में अगर आप आमदर बनते तो आप या आमदर या आपके आपका एक सपना हो कि आपको अपने क्षेत्र में अब ये करना है, वो आना चाहिए, वो क्या? उम्मीदों का प्रश्न है, बताइए। देखिए ऐसा है इस वक्त मेरे दिमाग में आमदार की तो नहीं है, ये तो स्पष्ट करता हूँ, समय की मैं बोल नहीं सकता, कार्यकर्ताओं की बोल नहीं सकता, लेकिन अगर मैं आमदार बन गया तो मेरे जहन में 4-5 प्रमुख बातें हैं जो मैंने बार बार अपने एजेंडे में भी रखी थी, पिछली बार के इलेक्शन में मैंने रखी थी। सबसे पहला मेरा ये एजेंडा है कि उल्लासनगर 141 जो आमदार की क्षेत्र है और ये जो पूरा थाना जिला है, थाना जिला में जो पानी की सप्लाई है, पानी की सप्लाई बराबर नहीं होने की वजह से लोगों की पानी की दिक्कत होती है, जबकि बारवे डैम में 40% एक्स्ट्रा पानी है। एक तो ये बात है कि उल्लासनगर में पानी वितरण का जो सिस्टम है वो पूरी तरह दुरुस्त होना चाहिए।
दूसरी मेरी ये सोच है कि जो बारवी डैम बना है ये आजादी के बाद पहला डैम था जो ठाणे जिले को पानी सप्लाई करता है, लेकिन आजादी के 70 साल हो गए, आजादी के टाइम पे जो बना था वो 50 साल की सोच को रख के यह डैम बनाया गया था, लेकिन आने वाले अगले 50 साल की सोच के लिए इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि ठाणा जिला तकरीबन 200 किलोमीटर का है, अगर आप पालघर से मालसिस घाट देख ले तो 200 किलोमीटर का एरिया है जिसमें बहुत जगह है, हमको आने वाले भविष्य के लिए और एक डैम का प्रयोजन करना चाहिए, ये मेरी दूसरा सोच है। जिस मतदार संघ में मैं रहता हूं यहां उल्लास नदी ये वरदायिनी गंगा है, इसका अगर आप सेंचुरी क्लब से वरद गांव तक जो इसका पार्ट है वो तकरीबन तट जिसको बोलते हैं हम वो 1 किलोमीटर का है, जहां भी रेसिडेंसी रेजेंसी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, सीआरजेड का जो एरिया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आए दिन गणपति उत्सव, नवरात्रि उत्सव, छठ पूजा, ऐसे बहुत से उत्सव आते हैं जहां लोग उस वस्तु को जाके विसर्जित करते हैं और उसकी बड़ी समस्या हो रही है। कल्याण में इतनी गर्दी है कि वहां लाइन लग जाती है, कुछ बार तो ऐसा भी हुआ था कि बाहर के लोगों को रोक दिया जाए, कल्याण में नहीं आना चाहिए। तो हम ये चाहेंगे, मैंने उसको एजेंडे में भी लिया था मेरे आमदार जी के, कि अगर मैं आमदार बनता तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे अगर मैं आमदार बना तो मेरा तीसरा एजेंडा ये रहेगा कि सेंचुरी क्लब से लेकर वरब गांव तक 1 किलोमीटर का उल्लास घाट बनाना चाहिए। अगर ये उल्लास घाट बन जाता है तो यहाँ के लोगों की ये दुविधाएं दूर हो जाएगी और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बनेगा, और पूरे ठाणा जिला में इतना बड़ा तट कोई नदी का नहीं है। सर, कामगारों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है मुझसे, मैं कामगार का लड़का हूं, कामगारों के लिए काम करता हूं और भविष्य में कामगारों के लिए ही काम करूंगा। आपने देखा होगा सर कि पिछले कितने सालों से ठाणा जिला जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन कुछ कारणों से कंपनियां बंद हो रही है, दूर दराज से आने वाले लोगों को नौकरी का अभाव है। अगर मैं अपने मतदार संघ की बात करूं तो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में थी, जैसे सेंचुरियन कंपनी, आईडीआई, अमर राय और हरमन मोहता, आज 3 कंपनी बंद हो चुकी है और सिर्फ एक ही कंपनी चल रही है, सेंचुरियन। जब ये भारत आजाद हुआ था तो इस शहर का नाम उल्लास नगर रखा गया था, लेकिन कामगार क्षेत्र से अभी भी कामगार उल्लासित नहीं है, क्योंकि उस वक्त की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क है। और ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्र कामगार बहुल्य क्षेत्र है, तो आने वाले समय में यहाँ के कामगारों को, बच्चों को रोजगार नहीं है। मैं चाहूंगा कि उस वक्त इन 4 कंपनियों को राज्य ने और केंद्र ने फैक्ट्री का परमिशन दिया था, मैंने ये महासभा में भी मेरे भाई के थ्रू आवाज उठाई थी, और पहला नगर सेवक था जिसने डीपी प्लान का विरोध किया था, 77 नगर सेवकों ने समर्थन किया था और एक ही राजू कंडारे ने विरोध किया था, सिर्फ कामगारों के विषयों को लेके, कि जितनी भी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है या कंपनी का क्षेत्र है वहां कंपनी ही खुलनी चाहिए, वहां रेसिडेंशियल या बिल्डरों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो हम ये चाहेंगे कि अगर मैं बनता हूं तो मैं हाउस में ये बात को उठाऊंगा कि आईडीआई, अमरडाई और हरमन मोहता जैसी कंपनियों के रेसिडेंशियल का जो अगर आता है तो उसको नामंजूर किया जाए और वहां कंपनी बननी चाहिए, कि आने वाले भविष्य में हमारे कामगार जो बच्चे हैं उनको यहाँ रोजगार मिलेगा। धन्यवाद, बातचीत में अच्छा है। लगभग सारी बातें हुई और बातचीत में एक बात तो निकल कर आई कि कहीं ना कहीं कामगारों के लिए काम करना चाहते हैं मोहन राम सिंह कंठारे जी, देखते हैं भविष्य में किस प्रकार से काम करते हैं। लेकिन एक बात है ना कि राष्ट्रवादी कांग्रेस से लेकर शिवसेना, शिवसेना से लेकर भारतीय जनता पार्टी का सफर तो तय कर लिया, अपनी राजनीति में एक बार सत्ता का स्वाद भी चखा, लेकिन वो कामगार आज भी वहीं पर खड़े हैं और वहीं इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब उनके लिए फिर से उम्मीदों की एक ऐसी किरण जागे जो लगातार टिमटिमाती रहे, लगातार चमकती रहे। भविष्य देखना ये होगा कि आखिर उन कामगारों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन गरीबों के लिए आखिर कब चमकता सितारा एक बार फिर से आगे आएगा और उनके लिए काम करेगा।
आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। मैं सचिन दीक्षित आज विदा लेता हूँ, कल फिर मिलूंगा सीधी बात के सच के इस कार्यक्रम में किसी नए शख्सियत के साथ। आज के लिए धन्यवाद।